हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सुनील और आज हम लोग बात करेंगे ऑल न्यू रेनॉल्ट ट्रैवर के बारे में। तो ये आप देख रहे हैं ट्रैवर का टॉप वेरिएंट RXZ। ये आपको फोर वेरिएंट्स में प्रोवाइड की जाती है। इसमें RXE, RXL, RXT एंड RXZ चार वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 8 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है ऑल न्यू रेनॉल्ट ट्रैवर। एंड बात करेंगे ट्रांसमिशन की, तो मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में आपके लिए मिल जाती है। एंड इसमें एनर्जी सीरीज का आपको इंजन मिलेगा जो कि 999 cc का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन होगा। 71 bhp की पावर जनरेट करते हैं, 96 nm का टॉर्क एंड 19 का माइलेज मिल जाता है। इसी कुछ आपको की मिल जाती है, इसमें लॉक अनलॉक एंड बूट के ऑप्शन मिल जाएंगे। पीछे रेनो की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है रिमोट में। काफ़ी बेहतरीन 7 सीटर है अपने सेगमेंट की ऑल न्यू रेनो ट्राइवर। एंड रेनो ट्राइवर का बेस वेरिएंट 5,20,000 से स्टार्ट होता है एक शोरूम। एंड बात कर ले इस वेरिएंट की प्राइस की, तो 7,05,000 एक शोरूम पड़ जाता है, 8 लाख के समथिंग आपको ऑन रोड पड़ जाएगा लखनऊ में। तो यहाँ देखेंगे तो आपको बड़ा सा रेनो का लोगो देखने को मिल जाता है और ब्लैक कलर की ग्रिल में आपको क्रोम फिनिश का काम पूरा देखने को मिलेगा जो काफ़ी बेहतरीन लगेगा आपको। एंड यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप मिल जाता है। लो बीम के लिए आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड हैलोजन मिल जाएगा आपको। हाई बीम के लिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी बेहतरीन अपने सेगमेंट के 7 सीटर कार। यहाँ पे आपको LED फॉग लैम्प मिल जाएंगे क्रोम फिनिश के साथ। यहाँ देखेंगे तो आपको स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर फिनिश में जो कि काफ़ी बेहतरीन लगेगी, अब इसके लुक को इन्हेंस कर देती है। तो काफ़ी बेहतरीन है अपने सेगमेंट की ऑल न्यू ट्राइवर, बिकॉज 7 सीटर जिस प्राइस रेंज में मिल रही हो काफ़ी बेहतरीन चीज़ें। एंड आपको इसमें 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है ऑल न्यू रेनो ट्राइवर में। एंड आए ऊपर देखेंगे बोनेट पे, तो यहाँ पे आपको वॉशर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे वाइफर्स मिल जाएंगे आपको। एंड ऐसे कुछ आपको रूफ देखने को मिल जाती है ऑल न्यू ट्राइवर में। आगे की ओर आपको एंटीना मिल जाता है एंड ब्लैक कलर की आपको रूफ रेल्स ऑफर की जाती है इस वेरिएंट में। एंड बॉडी कलर में आपको ORBM मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होगा, फोल्डेबल नहीं होगा। एंड ऐसा कुछ आपको 15 इंचेस का स्टील रिम मिल जाता है, लुक लाइक्स एलॉयस बट ये स्टील रिम आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको रेनो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और फेंडर पे आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। एंड ब्लैक कलर की आपको यहाँ पे क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। एंड इधर आएंगे तो ये आप इसका रूफ रेल्स देख सकते हैं, ब्लैक कलर की पूरी मिल जाती हैं। काफ़ी बेहतरीन है अपने सेगमेंट की ऑल न्यू ट्राइवर। एंड इसकी डोर ओपन करके आपको इंटीरियर दिखाते हैं कैसे क्या दिख रहा है। बॉडी कलर में आपको डोर हैंडल्स इसके ऑफर किए जाते हैं, ऐसा कुछ आपको प्रीमियम इसका डैशबोर्ड मिल जाता है। ऐसी कुछ डोर दिखेगी आपको डुअल टोन में, इसको बंद कर देते बाद में कवर करेंगे। तो आइए दिखा देते आपको इधर क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे तो आपको ये रियर व्हील मिल जाता है जो कि ड्रम होगा, फ्रंट वाले में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, पीछे ड्रम मिलता है। यहाँ पे आपको 40 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, यहाँ से आप फिल करा सकते हैं। एंड पेट्रोल इंजन के साथ आती है ट्राइवर, डीजल का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा इसमें। तो आइए अब देखते हैं इंटीरियर इसका पूरा। तो डुअल टोन में आपको इसकी डोर देखने को मिल जाएगी एंड बेहतरीन आपको इसमें इंटीरियर ऑफर किया जाता है। तो डोर में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे तो आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे, चाइल्ड लॉक मिल जाता है, यहाँ पे ORBM के कंट्रोल्स मिलेंगे। नीचे आपको वाटर होल्डर ऑफर किया जाता है एंड जस्ट उसके बगल में स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे आप लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाता है एंड ऐसा कुछ आपको मिलता है इसका डोर ओपनर। एंड ऐसे कुछ फैब्रिक की सीट ऑफर की जाती है, यहाँ पे रिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाता है सीट्स में। यहाँ फ्यूल लिड ओपनर देखने को मिल जाएगा नीचे आपको। तो आइए बैठ के देखते हैं अंदर और क्या क्या है इंटीरियर में। ऐसा कुछ आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है ऑल न्यू रेनो ट्राइवर में, जिसमें आपको बीच में MID स्क्रीन मिल जाती है, लेफ्ट में आपको RPM मीटर मिल जाएगा, काफ़ी सारी चेक लाइट्स। एंड ऐसा कुछ बेहतरीन आपको स्टीयरिंग मिल जाता है, यहाँ पर आपको रेनो का लोगो मिल जाएगा बीच में काफ़ी बेहतरीन। यहाँ देखेंगे तो सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी इसमें। तो काफ़ी बेहतरीन आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है, काफ़ी सारी चेक लाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ सेंटर कंसोल में देखेंगे तो आपको ये टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा जो काफ़ी बेहतरीन लगा हुआ है, ब्लैक पियानो फिनिश के साथ आपको देखने को मिलेगा इसका टच इंफोटेनमेंट सिस्टम। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको हजार लाइट का स्विच मिल जाता है लॉक ऑन लॉक एंड यहाँ पर फ्रंट डिफॉगर का स्विच मिल जाएगा। ऐसे कुछ ऐसी कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें, यहाँ पर आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं और ये आपको इसमें स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको सामान रख सकते हैं, जगह मिल जाती है। ये देख रहे हैं 5-स्पीड मैनुअल गेयर ट्रांसमिशन, MT का भी ऑप्शन मिल जाएगा, हैंड ब्रेक कुछ इस तरह आपको मिल जाती है इसमें। यहाँ पे 2 ग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन आपको सेंटर कंसोल मिलता है, ऐसे कुछ ऐसे इवेंट्स देखेंगे आपको सेंटर कंसोल के। एंड ये जो सिल्वर फिनिश देख रहे हैं ये काफ़ी बेहतरीन लग रही है, तो इतना कुछ ग्लव बॉक्स में स्पेस मिल जाता है, तो ऐसा कुछ लेफ्ट वाला आपको दिखेगा। एंड ये देख सकते हैं आप पूरा जो सिल्वर फिनिश का इसमें ट्रीटमेंट देखने को मिलता है डैशबोर्ड में, जो इसके लुक को काफ़ी इनहेंस कर देता है।
इधर आपको वाइपर्स के कंट्रोल, इधर लाइट के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। एंड इसका स्टीयरिंग जो है देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो क्रोम ट्रीटमेंट देख रहे हैं आप, काफ़ी बेहतरीन लगता है। इधर डोर में आपको पावर विंडो का कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। नीचे देखेंगे तो स्पीकर एंड बॉटल होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है इसमें। पर ये आपको डे नाइट IRVM देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रीडिंग लाइट, इधर वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है पैसेंजर साइड सनवाइजर में। एंड इधर आपको नहीं मिलता है ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर। पीछे का कुछ ऐसा कैबिन दिखेगा, काफ़ी बेहतरीन 7-सीटर कारों में से एक है ड्राइवर। तो आइए अब चलते हैं हम लोग बाहर एंड देखते हैं मिड वाली रो, उसमें कैसा क्या कंफर्ट है एंड कैसा दिखेगा अंदर का पूरा इंटीरियर एंड डैशबोर्ड। तो यहाँ देखेंगे RXZ की बैजिंग मिल जाती है टॉप एरेंट की डोर्स के ऊपर। तो बॉडी कलर में आपको डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे इसमें। एंड ये देख सकते हैं यहाँ पर पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है मिड वाली रो में। यहाँ पर आपको डोर ओपनर मिल जाएगा, नीचे में आपको बॉटल होल्डर एंड स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। ऐसी कुछ दिखेगी आपको ये सेकेंड रो। तो आइए बैठते हैं, देखते हैं कैसा क्या कंफर्ट है एंड कैसा क्या आपको मिलता है इसमें डैशबोर्ड वगैरह पीछे से व्यू। तो देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन आपको प्रीमियम इसका इंटीरियर दिखेगा पीछे बैठने के बाद। यहाँ पे आपको एक कंट्रोल मिल जाता है एंड काफ़ी बेहतरीन आपको प्रीमियम इसका डैशबोर्ड दिखेगा। पीछे वाली रो ऐसे कुछ दिखेगी, थर्ड वाली रो, दो लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट मिल जाएगी, इधर आप ग्रैब हैंडल देख सकते हैं। तो लाइट को ऑफ कर देते हैं हम लोग। तो लेग स्पेस भी आपको ठीक ठाक मिल जा रहा है 7-सीटर के अकॉर्डिंग, जिस प्राइस रेंज में आती है ये। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं और एक इधर आपको एसी वेंट्स मिल जाएगा। दोनों पिलर में आपको एसी वेंट्स ऑफर किया जाता है। एंड आपको इसमें 4 एयरबैग देखने को मिलेंगे ऑल न्यू ट्राइबर के टॉप एरेंट RXZ में। तो फ्रंट में मिल जाते हैं, दो आपको ये बीच वाले पिलर में दोनों मिल जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं इसकी बैक प्रोफाइल। तो ऐसी कुछ आपको पूरी बैक प्रोफाइल मिल जाती है काफ़ी बेहतरीन। तो आइए पास से देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो बड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पे आपको रेनो का लोगो मिल जाएगा देखने को। एंड यहाँ पे ड्राइवर की बैजिंग मिल जाएगी काफ़ी बड़ी सी। ऐसी कुछ वाइल्ड आपको इसकी टेल लाइट मिल जाती है काफ़ी बेहतरीन, जो कि हाइलोजन टेल लाइट होगी। LED आपको नहीं मिलती वहाँ पे, वाइफर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाएगा इसमें। एंड ये देख सकते हैं हाई माउंट स्टॉप लाइट, यहाँ पे वॉशर की प्लेसमेंट मिल जाएगी आपको। ऊपर आपको ब्लैक कलर की रूफ रेल्स मिल जाती है। यहाँ देखेंगे तो आपको रेनॉल्ट की बैजिंग देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर देखेंगे अगर आप नेम प्लेट के पास, तो आपको रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है ऑल न्यू ड्राइवर में। एंड एनर्जी सीरीज का आपको इंजन मिल जाता है, तो इसकी यहाँ पे ब्रांडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। एंड पीछे भी आपको स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर फिनिश में। एंड ये एक जॉश देख सकते हैं इसका, तो काफ़ी बेहतरीन आपको इसकी बैक प्रोफाइल भी मिल जाती है। तो अब हम लोग इसका बूट वगैरह चेक करते हैं। तो यहाँ से भी आप बूट को अनलॉक कर सकते हैं। तो बूट ओपन करके देखते हैं कितने का बूट स्पेस मिलता है। तो 84 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है अगर आप सीट फोल्ड नहीं करते हैं। एंड ऐसा कुछ अंदर का कैबिन दिखेगा। अगर आप ये पीछे वाली दोनों सीटें फोल्ड कर देते हैं, यहाँ से आप सीट अपनी फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे टूल किट वगैरह भी मिल जाती है, नीचे से आप अपनी स्पेयर टायर निकाल सकते हैं। तो इस सीट को फोल्ड कर देने के बाद आपको 625 लीटर का बूट स्पेस बन जाएगा जब आप ये दोनों सीट फोल्ड कर देंगे, जब आप 5 सीटर बना के इसको चलेंगे। वैसे आपको 84 लीटर का बूट स्पेस में ऑफर किया जाता है। एंड बात करें अगर इस कार की कॉम्पिटिटर की, तो मारुति सुजुकी की अर्टिगा एंड रेडी गो जो है आपकी, सॉरी गो प्लस, ये वो इसकी कॉम्पिटिटर बन जाती हैं इस प्राइस रेंज में आती हैं जिसमें ये आती है। एंड इसका प्राइस तब भी काफ़ी बेटर है एंड काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी बेहतरीन आपको बैक प्रोफाइल इसमें ऑफर की जाती है। एंड 19 का समथिंग आपको इसका माइलेज मिल जाता है। तो ऐसी कुछ आप साइड प्रोफाइल इसकी देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन आपको मिलेगी। एंड रियर व्हील आपको ड्रम मिल जाते हैं। बात कर ले अगर व्हील बेस की, तो 2636 mm का व्हील बेस मिल जाती है। यहाँ पे क्लैडिंग देख सकते हैं एंड यहाँ RXZ की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। डोर्स पे भी आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिल जाती है। यहाँ बॉडी कलर में आप इसके ORBMs देख सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन है अपने सेगमेंट की ऑल न्यू ड्राइवर। एंड अब बात कर ले अगर इसके
फीचर्स की तो आपको एबीएस विद एबीडी, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, इंजन इम्बुलाइजर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड 4 एयरबैग आपको मिल जाते हैं। यदि आज की वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।